तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। तो आई होप कि सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आगे भी ऐसे रहेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी इवेंट के बारे में आप लोग कमेंट कर रहे थे, सारे इवेंट जो हैं कन्फर्म हो चुके हैं। तो सभी इवेंट के बारे में फुल डिटेल आपको बताने वाला हूँ, कन्फर्म डेट आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो रहने वाला है एंजेलिक रॉयल, तो एंजेलिक रॉयल भी कन्फर्म हो चुका है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी जो है अपकमिंग इवेंट आने वाले हैं, जो कि आपको हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिलेंगे। साथ ही कुछ यहाँ पे हमारे रिंग इवेंट कन्फर्म हो चुके हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को क्या करना है कि फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इन गेम इवेंट के बारे में। तो मिस्ट्री शॉप का इवेंट आ चुका है और बहुत ही बेशर्मी भरा डिस्काउंट मिला है भाई, 56%। तो 56% के डिस्काउंट में तो मैं क्या ही करूँगा। और इसके अंदर जो रिवार्ड हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेकार हैं, ऐसे ही वो गन के क्रेट दिए गए हैं जो मेरे पास हैं ही नहीं, और इमोड भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिया गया है। बाकी कुछ गन क्रेट्स दिए गए हैं वो भी बहुत नॉर्मल गन क्रेट्स हैं, और डिस्काउंट भी इतना कम मिला है। तो मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी सोच रहा हूँ कि एक भी डायमंड को जो है खर्च ना करूँ, क्योंकि इस वाले मिस्ट्री शॉप के अंदर डायमंड लगाना मतलब डायमंड वेस्ट करना। बाकी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग जो है परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको डिस्काउंट अच्छा मिला है तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप लोग जो है अपना डिस्काउंट भी मुझे बता देना कि आपको जो है कितना डिस्काउंट मिला है, तो मुझे तो आपने देख ही लिया, क्या ही बताऊं। बाकी यहाँ पे कुछ हल्के फुल्के ही रिवार्ड्स दिए गए हैं, कुछ गन क्रेट्स दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर जो हैं अपने ये जो नेम वाले जो हैं अवतार वगैरह दिए गए हैं। तो अगर आपका नाम आर से आता है या फिर किसी अदर लेटर से आता है तो आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी इमोट वगैरह भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं, और बंडल के बारे में बात करें तो बंडल भी मतलब जितने डायमंड मुझे मिल रहा है उस हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आपको सस्ते में मिल रहा है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, अगर आपको 300-400 डायमंड में मिल रहा है। तो ये रहा दोस्तों अपना मिस्ट्री शॉप का इवेंट। काफ़ी टाइम पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि मिस्ट्री शॉप आने वाली है, तो आपको डिस्काउंट कितना मिला और आप लोग के पास जो है कितने डायमंड हैं कमेंट करके बता देना। तो ये तो रहा हमारा 4 अप्रैल का इवेंट। अब जो नेक्स्ट इवेंट है वो आने वाला है 6 अप्रैल के दिन, जो कि अपना एक रॉयल इवेंट है, जो कि एक रमजान स्पेशल रॉयल है। तो ये जो इवेंट है वो 6 अप्रैल के दिन आने वाला है। इसके अंदर आपको 4 रिवार्ड देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको ये जो समोसे खाने वाला इमोट है ये देखने को मिल जाएगा, जो कि अपना ह्यूज फिस्ट इमोट है। इसके बाद आपको कैमल जो बंडल है वो देखने को मिल जाएगा। तो मैं कैमल बंडल के लिए शायद हो सकता है कि स्पिन करूँ, क्योंकि ये बंडल मुझे लिटरली काफ़ी ओपी लग रहा है, और ये बंडल आपको देखने को मिल जाएगा। देन इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो रहेगा अपना कटाना स्किन। तो कटाना की जो स्किन है वो भी काफ़ी ओपी है, और इस रॉयल की एक खास बात है कि यहाँ पे आपको 30% का जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे सारी स्पिन पे मिलेगा। मतलब आप जितनी स्पिन करोगे सारी की सारी स्पिन पे आपको 30 डिस्काउंट मिलेगा, 30% का। तो ये रमजान स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी जो चौथा रिवार्ड है वो अपना एक अरबियन स्कार्फ रहने वाला है। तो 6 अप्रैल के दिन आपको सुबह ये जो इवेंट है वो हमारे सर्वर के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये रहा 6 अप्रैल का इवेंट। अब इसके बाद जो अगला इवेंट आने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। अगला जो इवेंट है उसका नाम है M187 रिंग। तो इसका जो डिटेल है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो M87 रिंग आने वाला है इसके अंदर आपको 2 M87 की स्किन देखने को मिलेगी, एक रैपर अंडरवर्ल्ड और एक अपनी हैंड ऑफ होप, और 200 स्पिन पे आपको जो है गारंटेड प्राइज मिलेगा। और एक और चीज़ यहाँ पर यह है कि जो गन स्किन यहाँ पे दी जा रही है वो आपको स्पिन पूल में देखने को मिलेगी, एक्सचेंज स्टोर में नहीं। यानी कि अगर आप टोकन व्हील से एक्सचेंज करना चाहेंगे तो आपको कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आप सिर्फ जो है स्पिन करके ही निकाल सकते हैं। बाकी ये वाली जो M87 की स्किन है ये स्किन भी हो सकता है कि आपको उसी रिंग इवेंट में देखने को मिल जाए। तो ये रिंग इवेंट आने वाला है, ग्रैंड प्राइज जो है अपना हैंड ऑफ होप है और अपना दूसरा गन स्किन है। डेट के बारे में बात करें तो 8 अप्रैल जो है इसकी डेट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 6 अप्रैल के दिन आपको रॉयल इवेंट देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है 8 अप्रैल को आपको M187 का रिंग इवेंट देखने को मिलेगा। तो काफ़ी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली M87 का इवेंट आ रहा है। लेकिन कुछ और भी स्किन दे सकते थे बट नहीं दे रहे हैं, तो क्या ही बोलें। इसके बाद जो अगला इवेंट है वो है एंजेलिक रॉयल, लेकिन एंजेलिक रॉयल हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है, तो थोड़ा पीछे बात करेंगे एंजेलिक रॉयल के बारे में। तो एंजेलिक रॉयल से पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक और रिंग इवेंट के बारे में, जो कि अपना स्कार रिंग का इवेंट आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, एक तो अपना M87 का रिंग इवेंट आने वाला है और जो दूसरा है वो है स्कार रिंग। इसका भी डिटेल आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे 2 स्किन आने वाली हैं, जो कि है अपनी एक रमजान स्पेशल स्कार स्किन और दूसरी जो है वह है अल्टीमेट टाइटन, यानी कि टाइटन स्कार।
और यहाँ पर भी आपको 200 स्पिन में जो है गारंटेड रेयर प्राइज मिलेगा, और जो रेयर प्राइज है उसको आपको स्पिन करके ही निकालना पड़ेगा, आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा स्कैम गरीना वाले कर रहे हैं। पहला जो स्किन है वो आप देख सकते हैं, उसका रिव्यू आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की स्किन रहने वाली है जिसके अंदर आपको डबल आर्मर पेनेट्रेशन और सिंगल रेट ऑफ फायर जो है देखने को मिल जाता है। और अगर आपको इसको निकालना है तो आपको स्पिन ही करना पड़ेगा, आप एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे और 200 स्पिन में आपको मिलेगा। बाकी टाइटन स्कार का रिव्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइटन स्कार अपने को कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है जिसके अंदर सिंगल डैमेज और डबल रेट ऑफ फायर देखने को मिल जाता है। डेट के बारे में बात करें तो डेट रहने वाली है 13 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, अपडेट से जस्ट पहले जो है आपको स्कार रिंग का जो इवेंट है वो हमारे इंडिया और बांग्लादेश सर्वर के ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो आने वाले जो 3 इवेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक अपना इवेंट आने वाला है 6 तारीख को जो कि रॉयल इवेंट है, फिर आने वाले 8 तारीख को जो कि अपना रिंग इवेंट है, और तीसरा जो इवेंट है वो 13 अप्रैल। अब बात करते हैं एंजेलिक रॉयल इवेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एंजेलिक रॉयल का इवेंट भी कन्फर्म हो चुका है। कौन कौन से रिवार्ड आने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहला जो रिवार्ड है वो है अपना पूमा एंजेलिक जैकेट। जी हाँ दोस्तों, ये जो पूमा के साथ जो फ्री फायर का कॉलब्रेशन हुआ था तो वो वाला जो यहाँ पे जैकेट है ये आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको काफ़ी तगड़े तगड़े जो एनिमेशन है वो देखने को मिलते हैं, येलो कलर का ये रहने वाला है। इसका जो पैंट है वो भी आपको जो है इसी लक रॉयल इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला जो पैंट है और जो हुडी है ये यहाँ पे ग्रैंड प्राइज रहने वाला है। इसके अलावा आपको व्हाइट एंजेलिक पैंट भी देखने को मिल जाएगी। तो सिर्फ एक ही एंजेलिक पैंट रिटर्न पे आ रही है, व्हाइट एंजेलिक, बाकी येलो और ग्रीन एंजेलिक आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है व्हाइट एंजेलिक पैंट देखने को मिलने वाली है, बाकी अपने येल्लो वाले जो एंजेलिक आइटम है। इसकी डेट के बारे में बात करें तो डेट रहने वाली है 10 अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, 10 अप्रैल के दिन आपको हमारे इंडिया सर्वर के ऊपर जो है एंजेलिक रॉयल देखने को मिलेगा। तो आने वाले 4 इवेंट मैंने आपको कंफर्म करके बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करेंगे। बाकी अगर आपको थोड़े डायमंड वगैरह चाहिए, मेंबरशिप वगैरह चाहिए, तो आप लोग SG गेम शॉप से मेंबरशिप ले सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इंस्टाग्राम आईडी नहीं मैंने नीचे दी है, आप लोग मुझे जो है मैसेज वगैरह कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप लोग बिंदास मैसेज कर सकते हैं। बाकी आजकल थोड़ा प्राइस बढ़ चुका है क्योंकि मार्केट की वजह से प्राइस बढ़ाना पड़ा है, बाकी कुछ दिनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो आप टेंशन मत लो, कोई भी अपडेट आएगा, कोई भी अच्छा ऑफर आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। एक भाई ने पूछा है कि न्यू एनिमेशन कब आएगा, तो देखो भाई 13 अप्रैल तक के इवेंट मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी 13 अप्रैल के बाद फिर वो भी अपडेट आने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि एनिमेशन आपको इस अपडेट में देखने को नहीं मिलेगा, आने वाले नेक्स्ट अपडेट के बाद ही आपको जो है न्यू एनिमेशन या फिर जो ओल्ड एनिमेशन है वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक भाई ने कमेंट किया कि मिस्ट्री शॉप में लाइट पास आएगा और बनी बंडल रिटर्न कब आएगा। तो देखो भाई, मिस्ट्री शॉप में लाइट पास नहीं आता है, ना ही बुइया पास आता है, आपने देख खुद भी देख लिया होगा। बाकी बनी बंडल के बारे में बात करें तो देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि अप्रैल मंथ में आपको या तो बनी बंडल या फिर गोल्डन सेड, इनमें से एक इवेंट जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एंजेलिक इवेंट कन्फर्म हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि बनी और अपना जो गोल्डन सेड है उनको आने में टाइम लगेगा। तो आने वाले ओबी अपडेट के बाद ही आपको या तो बनी या फिर गोल्डन सेड, इनमें से एक इवेंट जरूर देखने को मिलेगा। बाकी एक भाई ने कमेंट किया कि MP40 और स्कार रिटर्न पॉसिबल डेट। तो देखो भाई, फिलहाल तो MP40 नहीं आने वाली है, आपको लगभग 2-3 महीने का वेट करना पड़ सकता है। और स्कार देखो, टाइटन स्कार आ रही है, बाकी इवो स्कार भी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइटन स्कार आ रही है और उसके अलावा जो है अपनी एक और स्कार की स्किन गरीना वाले दे रहे हैं, तो 1 महीने का लगभग आपको वेट करना पड़ेगा। स्कार की स्किन आपको जो है नेक्स्ट ईवो वॉल्ट में देखने को मिल सकती है। बाकी कोबरा MP40 जो है आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, बहुत डाउट है। आने वाले दिनों के बाद ही जो है कन्फर्म बता पाऊंगा कि क्या सीन रहेगा। तो अभी वीडियो के अंदर इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर से जरूर करें।